लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना को रोकने महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। आज वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन नवीमुंबई और पनवेल क्षेत्र के प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहे। सड़कों पर भी सन्नाटा दिखाई दिया। टीवी वन इंडिया ने नवीमुंबई, पनवेल और थाने क्षेत्र में लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान कारोबारी इलाके, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पाबंदियों का असर देखने को मिला। नवीमुंबई वासी की एपीएमसी मंडी, वासी शहर, नेरुल, बेलापुर, कोपरखैरने इलाके में लॉकडाउन का असर दिखा। वहीं पनवेल क्षेत्र के कामोठे और खारघर में भी सड़कों पर बैरिकेटर लगे दिखे और पुलिस वाहनों की आवाजाही की चेकिंग करते नजर आई। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का कहर रोकने राज्य की उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। आज संपूर्ण लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन दिखाई दिए। नवीमुंबई में सामान्य दुकानें, प्रतिष्ठान और कारोबारी संस्थान बंद दिखे। बस डिपो और रेलवे स्टेशनों पर भी खामोशी छाई रही। वासी की एपीएमसी मंडियों में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को रोका गया। शहरी इलाके नेरुल, बेलापुर, कोपरखैरने, ऐरोली और वासी में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। सड़कों पर बैरिकेटर्स और कई ठिकानों पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी नजर आया। इसके साथ ही पनवेल मनपा क्षेत्र के कामोठे, कलम्बोली और खारघर सिटी में भी लॉकडाउन का पालन कराने व्यापक बंदोबस्त नजर आया। संपूर्ण लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, वाहनों को छोड़कर अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आती नजर आई। थाने क्षेत्र में भी कारोबारी इलाकों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर लॉकडाउन और पाबंदियों का असर साफ देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।